मदर बाणी कहूं छिद्र स्वरूपम कहूं मदर बाणी मदर बाणी होती है अंतरात्मा की आवाज मदर बाणी होती है मां की बाणी मां की बोली मां बोली नहीं कहते मां बोली अंदरला मां भी है प्यो भी है ओरी बोली है मातबाणी अंतरात्मा की आवाज है जी मदर बाणी हुई है मां बोली है यह है मां बोली साड़ी पंजाबी मां बोली कही जाते सिखा ने मां बोली अंतरात्मा की आवाज है जो सिख भी विद्वान मां बोली कही जाते पंजाबी मूर्ख ने उन्होंने पता ही नहीं सिखी के हिसाब ना ही उन्होंने ज्ञान है सिखी की है यह तो बोली बदलती रहती है मां बोली ए तो अंग्रेजी के लफ्ज बथेरे आ गए इन्हों की मां थी अंग्रेजी पहला संस्कृत सी इतने बोली जाती उर्दू के लफ्ज आ गए पिछे से खालसा लफ्ज पंजाबी का है फतेह लफ्ज पंजाबी का है मां बोली किमें होगी इन्हों की इन्हों तो यह भी नहीं पता इन्हों की मां थी कौन कितने की सी विद्वानों को मां का ही नहीं पता अपनी जमी कितने की सी कितने होंगी है की होंगी है गुरबाणी मां को प्यो मनती नहीं है संसारी सिख विद्वान ने रौला पाई जाने पल्ले थोड़े ढेला नहीं है अंतरात्मा की आवाज मां बोली होंगी है सिख की कम कम यह होंगी और किसी दुनिया की कुछ भी हो दुनिया की मां बोली कुछ भी हो सिख आत्म लैवल से जिंदा संसारी लैवल से जिंदा नहीं जो संसारी लैवल से जिंदा सिख होंगे ही नहीं जे विद्वान अपने आप को सिख नाल लिखते हैं सिख फिर मां बोली अंतरात्मा की आवाज है नहीं सिखी तो खारज होके जो मर्जी बोली जाओ सिखी तो खारज होके जो मर्जी बोली जाओ अज की पंजाबी वो नहीं है पंजाबी नहीं पंजाब की आवाज नहीं है क्या दसन पंजाबी की है शुद्ध करके रखो इन गुरु नानक वेले तो बोली नहीं बोली जाती उतो ही भाषा लिया के गुरु नानक वेले जो बोली बोली जाती थी पंजाब की दसन कड़ी है वो पिछले लिखे पे ना ग्रंथ कर लो देना शुद्ध फिर ये तो रोज बदलती है बारह कोते जाके बोली बदल जाती है असल च इन्होंने ये देखा भी सानू सीटा मिल जाएगी साड़ी बोली है ना पंजाबी असं पढ़े हुए अफसर असी बन जाइए साड़ी पुछ हो जाए गल तो रोटी दी है इन्होंने मां बोली तो लैना की है इन्होंने सिखी तो लैना की है ना लोगों ने